कर दिया, फिर क्या सहायता कर सकती हूँ? मैम जी गुड इवनिंग, मैं अभिषेक यादव मंडला जिला मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। मैम ये बताइए। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो रोजगार पंजीयन जीवित अनिवार्य किया गया है पीबी के द्वारा, मैम तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा, जैसा कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स से वो बोल रहे हैं कि सर हमने 2020 में फॉर्म भरा था और हमारा जो रोजगार पंजीयन वो एक्सपायर हो चुका है, अभी रिन्यू होने का ऑप्शन उसमें आ नहीं रहा मैम, नया न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने जो एग्जाम फॉर्म भरा था उसमें तो अभी जो फॉर्म एक्सपायर हो गया, हमारा जो पंजीयन क्रमांक वो लिखा है, अगर हम उसमें नया कोई इश्यू नहीं है सर, उसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हो पाएगा सर। उन्होंने जब किया था जी तो उसको 3 साल में उनको रिन्यू करना था, उन्होंने नंबर तो डाल दिया पर रिन्यू नहीं किया है, मैम, तो तो फिर वो रिन्यू नहीं हो पाएगा। वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी जब वेरिफिकेशन किया कोई दिक्कत जाएगा नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कि आपने इस नंबर से जो है आपने रजिस्ट्रेशन वो रोजगार पंजीयन का फॉर्म किया था वर्ग 3 के लिए और अब न्यू आपको रजिस्ट्रेशन बताना है। बताना पड़ेगा फिर आपको कि जब आपने डाला था तब वो जीवित।